आज मैं एक बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बता रही हूँ आपको, जो कि है चावल की रोटी या आप चावल का पराठा भी कह सकते हैं। पर ये हम चावल में से, मतलब जो हम कुक राइस होते हैं उसमें से नहीं बना रहे, चावल के आटे में से बना रहे हैं। ये मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है। ये जो मेजरिंग कप होता है ना, ये पूरा ऐसा भर के मैंने ये 2 कप चावल का आटा लिया हुआ है। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। अपने स्वाद के हिसाब से आप सॉल्ट डाल दीजिए। और यहाँ पे ये मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ हैं। ये अदरक है, हरी मिर्च है, ग्रीन अनियंस का जो आगे का सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना वो है, और ये अनियन ग्रीन्स है, धनिया, शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी है। आप इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे आप डालिए। मैं ये सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ ये आटे में। ये जो रेसिपी है ना, ये साउथ साइड की रेसिपी है, तो इसके अंदर कोकोनट भी जाता है। तो मेरे पास ये 2 टेबलस्पून कोकोनट है। मैं ये ड्राई वाला कोकोनट है, मैं इसके अंदर कोकोनट भी डाल देती हूँ। और मैंने एक तड़का तैयार किया हुआ है। ये सिर्फ 2 टीस्पून तेल के अंदर जीरा और कड़ी पत्ता है, मैं ये भी डाल देती हूँ और मैं सब मिक्स कर लेती हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल के इसका एक आटा बना लेती हूँ। लीजिए, आटा तो बनके तैयार है। आप लास्ट में अगर बहुत आटा आपके हाथ में चिपक रहा है ना, तो ये जैसे थोड़ा सा मैंने हाथों पे तेल लगाया है, ऐसे ही तेल लगा के आप आटे पे लगा दीजिए ताकि वो चिपके ना। और अब ये आटा मैं छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है और आटा भी सॉफ्ट हो चुका है। अब ये रोटी को हम पकाते हैं। एक्चुअली ये जैसे नॉर्मल रोटी पराठा होता है ना, बेल के बनाते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि चावल का आटा है। अब मैं ऐसे एक पेड़ा जैसा निकाल देती हूँ, इसका थोड़ा सा बड़ा पेड़ा निकालना पड़ेगा। और ये जो चावल की रोटी होती है ना, वो एकदम पतली भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अब मैं इसको, ये देखिए मैंने एक ऐसा नॉर्मल सा प्लास्टिक लिया है, जैसे कि आप दूध की थैली या नमक की थैली, आप कुछ भी ले सकते हैं। और उस पर थोड़ा सा मैंने ये तेल लगाया हुआ है ताकि चिपके नहीं, वरना चावल की रोटी है ना बहुत चिपक जाएगी। और ऐसे हाथों से ही मैं फैला लेती हूँ। और अब इसको हल्के हाथों से उठा के मैं इसे फ्लिप करके सीधा ये पैन में डाल देती हूँ। मैंने ये रोटी जब डाली थी तब हल्का सा तेल से पैन को ग्रीस कर लिया था, क्योंकि एकदम सूखे पैन में डालेंगे ना तो ये रोटी पक्का चिपक जाएगी। तो तेल का एक ब्रश पहले पैन पे लगा दीजिएगा, उसके बाद आप ये रोटी डालिएगा। और हाँ, ये आप घी में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद देती है। अब मैं थोड़ा सा, मतलब आधी आधी चम्मच जितना तेल आसपास भी डाल देती हूँ। और अब हमें ये रोटी को ढक के पकाना है। और इसको मैं पकाऊंगी एकदम मीडियम फ्लेम पे। बहुत गरम तवे पे आप नहीं पकाइएगा, एकदम मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिएगा। जैसे नॉर्थ साइड पे हम जाते हैं तो ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म आलू के पराठे होते हैं या ऑमलेट मिलती है ना, तो साउथ साइड जाते हैं ना तो ये वाली रोटी मिलती है। और ये तुरंत ही, मतलब गर्मा गर्म ही खानी होती है। चावल की है, अगर ठंडी करके खाएंगे ना तो वो काफ़ी स्ट्रेची हो जाती है। ये चावल की रोटी का एक पर्टिकुलर नाम है, वो मैं भूल गई हूँ। अगर आपको नाम पता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं अभी फ्लिप कर देती हूँ।
और वापस से हम ढक देंगे। और अब ये एक बार मैं और पलट लेती हूँ और अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करते हुए कुक करूँगी। ये फ्लफी भी बन चुकी है क्योंकि हमने इसको 10 मिनट रेस्ट भी करने के लिए छोड़ दिया था ना, तो चावल का आटा बहुत अच्छे से भीग भी चुका है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट बन रही है। कोकोनट, धनिया, जिंजर, एकदम मैं साउथ में पहुंच गई। ये वाली रोटी तो रेडी है, मैं ऐसे ही दूसरी भी बना लेती हूँ। सेम वैसे ही डाल देंगे पैन में। अगर आपका पैन अच्छे से गर्म होगा ना, तो जैसे ही आप रोटी डालेंगे, ये देखिए ये रोटी पैन में ऐसे घूमने लगेगी, चिपकेगी नहीं। इसीलिए बोला है कि नीचे थोड़ा सा तेल का ब्रश लगा दीजिएगा और तवा मीडियम हीट पे रखिएगा। चावल की रोटियां तो बनके तैयार है। ये मैं ले लेती हूँ ये सर्विंग प्लेट पे, गरम गरम है, और इसको मैं सर्व कर रही हूँ ठंडे ठंडे दही के साथ। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म चावल की रोटी, और हाँ, इसको गर्मा गर्म ही खाइएगा। ये रोटी ना हल्की सी क्रिस्पी भी होती है और बीच से सॉफ्ट होती है। बहुत अमेजिंग है, मस्ट ट्राई।